मतगणना में गड़बड़ी का आरोप, ग्रामीणों ने ब्लॉक में हंगामा करते हुए दिया धरना। बागपत ब्लॉक में आज सुल्तानपुर हटाना के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सदस्य पद पर विजयी हुई प्रत्याशी के समर्थन में धरना दिया। इस दौरान ब्लॉक पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लॉक में कुछ लोग उनके खिलाफ हैं। वोटों की जो गिनती हुई है उसमें ग्राम पंचायत सदस्य पद पर शिवानी विजयी हुई थी, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने जानबूझकर वोटों की हेराफेरी की है, जिसकी शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी राजकमल यादव से भी की है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी राजकमल यादव को एक शिकायती पत्र भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने विजयी प्रत्याशी शिवानी को प्रमाण पत्र देने की मांग की है और कहा है कि कुछ कर्मचारी मिलीभगत करके शिवानी को हारा हुआ दिखाना चाहते हैं। वहीं जिलाधिकारी राजकमल यादव ने ग्रामीणों को मामले की जांच कराकर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हाँ, बिजभूषण सिंह, निर्वाचन अधिकारी बागपत। हाँ, उनका कहना सही है, वो गलती से जो है आरोप से प्रपत्र भी देखे गए हैं उनका। उन्होंने जो प्रत्याशी जीता है उसको प्रमाण पत्र न देकर जो है वो जो गणना पर्ची पर उन्होंने जो है चुनाव चिन्ह के आधार पर उन्होंने जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसके हाथ में प्रमाण पत्र दे दिया है, तो वो जांच करके देखा गया है, वो चीज़ें सही हैं और वह उसका प्रमाण पत्र कैंसिल करके जो है जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा ये सब आरोप नहीं है, सिर्फ वही है कि जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसके हाथ में प्रमाण पत्र इनको जा रहा है। हाँ, ये लापरवाही मानी जाएगी, ये तो शुद्ध लापरवाही है जो है, अब उनके खिलाफ रिपोर्ट भेजी जाएगी जिलाधिकारी महोदय। ये लापरवाही यारो की है, यारो साहब की लापरवाही है, इसमें जो है ये लापरवाही हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।